भीलवाड़ा शहर में बेकाबू बजरी से भरे ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला सहित दो की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतकों के शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार 24 घंटे चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा समझाइश करने पर मामला शांत हुआ, जिसके बाद मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने कहा कि हलेड़ रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद मोर्चरी पर समाज जनों ने प्रदर्शन किया, पुलिस द्वारा समझाकर इसके बाद मामला शांत करवाया और परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम पूजा सक्सेना ने कहा कि मृतकों को सरकारी योजना के तहत हर संभव लाभ दिया जाएगा। दोपहर में इंपीरियल प्राइड होटल के पास में हलेड़ से आने वाली रोड पे एक ट्रैक्टर और ऑटो में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दो लोग मृत हो गए थे। आज उसको लेकर के सुहालका समाज का करीब प्रदर्शन चल रहा था और अब दोनों पक्षों में समझाइश हो गई है और वो पोस्टमार्टम करवा करके और शव को ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। कल जो एक्सीडेंट हुआ था और उसमें दो लोगों की जो एक्सीडेंट के दौरान मौत हुई, तो हमने परिवार वालों से समझाइश की है, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनका जितना हम लाभ दिला सकेंगे दिलाया जाएगा और यथाशीघ्र दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने समझाइश मतलब लोगों ने एक परिपक्वता का परिचय दिया और हम आगे भी हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से भीलवाड़ा वालों ने हमारी मदद की है आगे होकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में, उसी प्रकार के शहर के लोग हमारी मदद करते रहें।